श्री हंस जी महाराज एक महान योगी होने के साथ साथ गृहस्थ भी थे। उनका मानना था कि किसी भी भौतिक परिस्थिति में होते हुए भी मन सदा ही परमात्मा के नाम में जुड़ा रहना चाहिए। यही योग एवं भक्ति की पराकाष्ठा है। समय समय पर वे अपने शिष्यों के साथ साथ अपने परिवार को भी उस परम ज्ञान के प्रचार की ओर प्रेरित करते रहते थे। वे अपनी धर्मपत्नी परम पूजनीय माता श्री राजेश्वरी देवी जी से कहते कि मैं चाहता हूं कि आप प्रचार में आगे आए, सत्संग करें व प्रेमियों को संभालें। आज नहीं तो कल यह आप सबको करना ही होगा। श्री महाराज जी के ज्येष्ठ पुत्र परम पूजनीय श्री सतपाल जी महाराज उस समय मसूरी के सेंट जॉर्ज कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, ताकि वे प्रचार को विश्व स्तर तक लेकर जा सकें। वात रोग से श्री हंस जी महाराज पीड़ित रहने लगे थे, पांव में सूजन भी होने लगी थी, फिर भी शरीर की चिंता न करते हुए प्रचार में लगे रहते थे। श्री महाराज जी अपने अंतिम दिनों में अपने पार्थिव शरीर को छोड़ने का संकेत समय समय पर देने लगे थे। श्री हंस जी महाराज सत्संगों में नाच नाच कर ये भजन गाया करते थे, रे मन ये दो दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। एक बार सत्संग कार्यक्रम में कार से उतरते हुए श्री महाराज जी कहने लगे, ये शरीर अब पुराना होने लगा है, इसलिए अब हम इसको छोड़ देना चाहते हैं। और ऐसा हुआ भी। 17 जुलाई 1966 को श्री महाराज जी अलवर में 2 दिवसीय सत्संग के लिए रवाना हुए, परंतु वहां तेज बुखार चढ़ने के कारण सत्संग पंडाल में न पहुंच सके। तबीयत न संभलने के कारण उसी रात वे दिल्ली वापस आ गए। डॉक्टरों ने जांच करने के पश्चात दवा भी दी, परंतु उसका कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि अब समय आ चुका था। श्री महाराज जी योग मुद्रा में पहुंच चुके थे और ध्यानस्थ होकर 19 जुलाई 1966 प्रातः 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने महाप्रयाण कर दिया, वह अनंत में विलीन हो गए। ये समाचार पूरे भारतवर्ष में आग की तरह फैल गया। समाचार पत्रों में महाराज जी के महाप्रयाण की सूचना छप गई और हजारों दिल धड़कने लगे, आंसू बहने लगे और सिसकियां भरते हुए भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से प्रेमी भक्त और बाई महात्मा श्री प्रेमनगर आश्रम हरिद्वार की तरफ बढ़ने लगे, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। महात्मा दयाबाई जी जब अंतिम दर्शन के लिए पहुंची, तब तक चिता जलने लगी थी, जिसके कारण वे अपने भाग्य को कोसने लगी कि मैं कितनी अभागिन हूं कि अंतिम बार श्री महाराज जी के पावन चरणों को स्पर्श नहीं कर पाई। जब उन्होंने निश्चल मन से दीन भाव से पुकारा, तो उन्हें अनुभव हुआ कि श्री महाराज जी चिता से उठ खड़े हुए वह उनके पास आकर कहने लगे, रो मत, लो चरण छू लो। अंत्येष्टि क्रिया के बाद चिता धू धू कर जल उठी। वह ऐसी सुगंध निकली जो पूरे वातावरण को सुगंधित करते जा रही थी, क्योंकि ये तो दिव्य ज्योति और सतनाम के साक्षात स्वरूप हंस का निर्लिप्त शरीर था। श्री महाराज जी को शरीर से कुछ भी मोह नहीं था। शरीर छोड़ना उनके लिए वस्त्र बदलने से अधिक कुछ नहीं था। वे तो आत्मस्वरूप थे। वे उस महान वृक्ष के समान थे जिसकी छाया तले हजारों जीव विश्राम पाते हैं, और उनकी दिव्य मूर्ति से प्रेम हो जाना स्वाभाविक ही है। सभी भक्तों के मन में एक ही सवाल था, कहां हैं वे बड़ी बड़ी चमकीली आंखें जिनमें दया और प्रेम का समुद्र उमड़ता था, वो विशाल मस्तक जो तेज और ओज से सदा प्रकाशमान रहता था, घुंघराले बालों की लटाएं जो मन को लुभा लेती थी, वे कोमल चरण जिन्हें स्पर्श करने के लिए प्रेमी सदा तत्पर रहते थे। श्री हंस जी महाराज एवं जगत जननी माता श्री राजेश्वरी देवी जी की याद में श्री प्रेमनगर आश्रम में श्री हंस स्मृति मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसमें श्री महाराज जी एवं माता जी की समाधि को स्थापित किया गया है। श्री सतपाल जी महाराज ने अपने पिता व गुरु
श्री हंस जी महाराज के संकल्प एवं अधूरे कार्यों को पूरा करने का बीड़ा उठाया है। उन्हीं की विचारधारा से प्रेरित होकर वे प्रेमियों के सहयोग से मानव उत्थान सेवा समिति का गठन किया गया, जो कि एक अखिल भारतीय आध्यात्मिक एवं सामाजिक संस्था है। श्री सतपाल जी महाराज के नेतृत्व में समिति द्वारा उस महान ज्ञान का प्रचार प्रसार विश्व के कोने कोने में किया जा रहा है। वेदों और उपनिषदों के ऋषियों से लेकर कलिकाल के संतों तक जिस राज विद्या का प्रचार महापुरुषों ने अपने जीवन काल में किया, उसी के प्रचार हेतु श्री हंस जी महाराज ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया।